हाय दोस्तों, अगर आपको इस तरीके से गूगल प्ले प्रोटेक्ट की तरफ से मैसेज आ रहा है अनइंस्टॉल हार्मफुल ऐप, ठीक है, जैसे ये ओजी व्हाट्सएप है, जैसे जी बी व्हाट्सएप होता है, ओजी व्हाट्सएप आर डिसेबल बिकॉज इट पुट योर डिवाइस एट रिस्क। तो इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, ये तब होता है जब आप ऐसी ऐप इंस्टॉल करते हैं जो कि मॉडिफाइड होती है, जो कि प्ले स्टोर में नहीं होती, लेकिन आप उसको मॉडिफाई करवा के यूज़ कर रहे हो, जैसे जी बी व्हाट्सएप, ओजी व्हाट्सएप, ए एन व्हाट्सएप, इस तरह के कई सारे व्हाट्सएप वर्जन हैं जो कि मॉडिफाइड होते हैं अदर डेवलपर्स के द्वारा। तो वो थोड़े रिस्की होते हैं, हो सकता है वो आपके डिवाइस को हैक कर ले या फिर उसमें वायरस वगैरह कुछ भी डाल दें, तो ये थोड़ा रिस्की होता है, इसीलिए प्ले स्टोर हमें वार्निंग देता है। तो यहाँ देखो, आप इस तरीके से दिखा रहे हैं, यहाँ दिखा रहे हैं योर डिवाइस इज़ एट रिस्क टू हार्मफुल ऐप साउंड, ठीक है। जैसे मैंने जी बी व्हाट्सएप और ओजी व्हाट्सएप डाउनलोड कर रखा है, क्योंकि मेरे पास तीन नंबर है तो मैं तीनों को यूज़ करता हूँ, तो ओरिजिनल वाले में तो एक ही लॉगिन होता है, इसीलिए मैंने बाकी के दो ऐप्स इंस्टॉल कर रखे हैं और उसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ, और काफ़ी टाइम हो गया भाई यूज़ करते हुए, आदत हो गई अब तो उसकी, उसके फीचर्स कमाल गए हैं, तो इसी वजह से मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। और अब बोल रहे हैं कि भाई अनइंस्टॉल मार दो, भाई अनइंस्टॉल कैसे मार दिया, उसमें डेटा पड़ा है। लेकिन अगर आपको भी ऐसे ही फील हो रहा है कि जैसे मुझे, तो आप इसको यहाँ से इनेबल कर सकते हो। इनेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पर क्लिक करना है, जैसे ये देखो, यहाँ देखो इनेबल कर दिया मैंने, इनेबल हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, बहुत इजी है। अब देखो यहाँ जनरल में आप देखोगे तो यहाँ दिखा रहा है प्ले प्रोटेक्ट सेटिंग, तो अगर आप इसे बंद करना चाहते हो ताकि बाद में आपके व्हाट्सएप वगैरह गायब ना हो जाए ऑटोमेटिक, क्योंकि प्ले स्टोर पर अपने आप, कई बार इनको अपने आप खुजली होती है तो ये खुद से ही अनइंस्टॉल मार देते हैं, तो ऐसा रिस्क क्यों लेना। इसीलिए जब भी आपको लगे कि भाई मेरा इंपॉर्टेंट डेटा है, तो एक काम करना, यहाँ सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है आपको ऊपर, ये देखो ये दिख रहा है ना, अरे गेम चल पड़ा, एक मिनट, ठीक है, तो यहाँ देखो सेटिंग्स में गए हम, स्कैन ऐप विद प्ले प्रोटेक्ट, इसको मैंने टर्न ऑफ कर दिया। अब मेरे से पासवर्ड मांग रहे हैं, ठीक है, तो पासवर्ड मैंने डाल दिया और ये दोनों बंद हो चुके हैं। अब यहाँ बोल रहे हैं टर्न ऑन प्ले प्रोटेक्ट, लेकिन मैं टर्न ऑन नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने किया तो वो फिर से वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसीलिए मैं इसको यूज़ ही नहीं करूँगा, ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात, इसीलिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगा जैसे ये बंद पड़ा है, ठीक है। आप भी ऐसे ही चाहो तो कर सकते हो, और ऐसे ही आप रखो ताकि आप अपने वो ऐप्स भी यूज़ कर पाओ जो करना है।